हाय स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि अगर आपको डेसिमल नंबर दिया गया तो आप उसको रैशनल नंबर के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए दो टाइप्स देखे थे हमने, वो दो टाइप्स के एग्जांपल भी हमने आपको बताए थे। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। रियल नंबर पे ऑपरेशंस क्या है वो हमें नेक्स्ट टॉपिक देखना है। सो ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर, तो उसमें मैं पहले नोट लिख के देता हूँ। सो उसमें वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, इफ ए एन रैशनल नंबर एंड बी इज अ इरैशनल नंबर। अगर आपको एक रैशनल नंबर दिया है, ए इज अ रैशनल नंबर, और वो जो बी है वो अगर आपको इरैशनल नंबर दिया है, देन इट्स एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन इज अल्सो इरैशनल नंबर। अगर एक रैशनल नंबर है, ठीक है, और एक इरैशनल नंबर है, तो उनकी एडिशन, उनकी सब्सट्रैक्शन, उनकी मल्टीप्लीकेशन और उनकी डिवीजन, ये क्या आती है, इरैशनल नंबर ही आती है। वेरी इंपॉर्टेंट नोट बेटा, ठीक है। सो नाउ देखो, हियर टू इज अ रैशनल एंड थ्री इज अ इरैशनल। इसमें ये टू क्या है, रैशनल है, और थ्री ये इरैशनल नंबर लिया। तो देखो दोनों की अगर हमने एडिशन कर दी, टू प्लस रूट थ्री, सो दिस इज ऑल्सो इरैशनल नंबर। दोनों की सब्सट्रैक्शन की तो ये भी इरैशनल है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो भी ये भी इरैशनल है, और दोनों की अगर डिवीजन परफॉर्म की तो ये भी क्या है, आपकी इरैशनल नंबर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पहली नोट क्या है, इफ ए इज अ रैशनल एंड बी इज इरैशनल, देन इट्स एडिशन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एंड सब्सट्रैक्शन इज ऑल्सो इरैशनल नंबर। नाउ सेकेंड नोट है उसमें, इफ ए एंड बी आर बोथ रैशनल्स, अगर दो नंबर्स है और दोनों अगर रैशनल्स है, देन इट्स एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन इज अल्सो रैशनल नंबर, ठीक है। अगर रैशनल नंबर है तो उनकी एडिशन भी क्या आती है, रैशनल नंबर, मल्टीप्लीकेशन भी रैशनल नंबर, डिवीजन भी रैशनल नंबर, और सब्सट्रैक्शन भी क्या आती है, उसकी रैशनल नंबर ही आती है, एक्सेप्ट सिर्फ जीरो छोड़ के। जब हम डिवीजन में सपोज दो रैशनल नंबर लिए, हमने पहला रैशनल नंबर लिया टू और दूसरा रैशनल नंबर लिया जीरो, और उसको अगर मैंने डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म किया तो वो क्या करता है, इन्फिनिटी में चला जाता है। तो ये इरैशनल नंबर भी नहीं है, रैशनल नंबर भी नहीं है। सो देयरफॉर एक्सेप्ट जीरो, जीरो डिवीजन में अगर छोड़ दिया तो ए और बी अगर जीरो से दूसरे इंटीजर्स रहे और रैशनल नंबर रहे, तो उनके एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन क्या आती है, आपका रैशनल नंबर ही आती है, ओके। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, इफ A and B are both irrational numbers. If A and B are both irrational, अगर दोनों नंबर अगर irrational नंबर है, then its addition, subtraction, multiplication and division of irrational number are maybe irrational or maybe rational. तो अगर आपको दो irrational नंबर दिए गए हैं, तो उनकी अगर हमने addition, subtraction, division और multiplication अगर perform की, तो वो मे बी रैशनल आ सकती है और मे बी ई रैशनल आ सकती है। हम बता नहीं सकते कि वो रैशनल आई है और ई रैशनल, मे बी रैशनल और मे बी वो क्या आती है, ई रैशनल नंबर आता है, ओके। तो ये तीन जो नोट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, नोट फर्स्ट, नोट सेकंड एंड नोट थर्ड, ओके। सो नाउ कम टू द एग्जाम्पल। तो पहला क्वेश्चन है उसमें, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल नंबर्स और ई रैशनल नंबर्स। तो ये जो नंबर्स ये है आपको, वो रैशनल है या इरैशनल है, ये हमें क्लासिफाई करना है। तो हमने तीन नोट्स पढ़े हैं, ठीक है। दोनों नंबर अगर रैशनल रहे तो उनके जो ऑपरेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, सारे रैशनल्स। दोनों अगर इरैशनल नंबर्स रहे तो उनमें जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो मे बी रैशनल आ सकता है आंसर, मे बी इरैशनल आ सकता है। और एक अगर रैशनल और दूसरा अगर इरैशनल रहा तो उनके एडिशन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन और सब्सट्रैक्शन क्या आती है, ऑलवेज इरैशनल आती है। तो इसमें देखो, ये पहला नंबर और सेकंड नंबर देखो, टू माइनस रूट फाइव, तो ये टू क्या है, रैशनल, रूट फाइव क्या है, इरैशनल। तो रैशनल और इरैशनल की अगर सब्सट्रैक्शन की तो ये अलवेज क्या आता है, इरैशनल नंबर। सो ये जो पहला का आंसर है वो क्या है, इरैशनल नंबर। सो दिस इज इरैशनल नंबर, ठीक है, टू माइनस रूट फाइव इज अ इरैशनल नंबर। सेकंड, थ्री प्लस रूट ट्वेंटी थ्री, ये पहला नंबर, और दूसरा माइनस रूट ट्वेंटी थ्री, ये दूसरा नंबर, तो ये भी इरैशनल नंबर है, ये भी इरैशनल नंबर है। दोनों नंबर्स क्या है, आपके
इरेशनल नंबर, क्योंकि ये ब्रैकेट में मीन्स ये पूरा एक नंबर और ये रूट में है, तो ये दूसरा इरेशनल नंबर। तो दो इरेशनल नंबर है तो उनकी देखो सब्सट्रैक्शन डी ए। तो हमने क्या देखा था नोट थर्ड में, दोनों अगर इरेशनल है तो उनकी सब्सट्रैक्शन रैशनल आ सकती है और इरेशनल भी आ सकती है। तो देखो देखेंगे, पहले हम इसकी सब्सट्रैक्शन करके देखेंगे। सो 3 प्लस रूट 23 और ये माइनस रूट 23, तो इसमें ये रूट 23 रूट 23 गेट कैंसल इक्वल टू 3। तो ये जो 3 है वो क्या है आपका रैशनल नंबर। ओके, तो वो नोट क्या थी ट्रू थी कि दो अगर इरेशनल नंबर दिए गए तो उनकी सब्सट्रैक्शन क्या आती है रैशनल नंबर भी आ सकती है। ओके, सो दिस इज 3, सो दिस इज रैशनल नंबर। थर्ड वन इज देखो 2 अपॉन रूट 7, 7 अपॉन रूट 7, सो ये रूट 7 और ये रूट 7 गेट कैंसल 2 अपॉन 7। तो ये 2 अपॉन 7 है वो क्या है आपका रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर। देखो ये भी इरेशनल नंबर था, डिनोमिनेटर भी इरेशनल नंबर था, लेकिन उनका जो डिवीजन आया वो क्या आया रैशनल नंबर आ गया। देखो इसमें ये 1 रैशनल है, रूट 2 ये क्या है इरेशनल, बराबर। तो एक नंबर रैशनल है दूसरा इरेशनल है और उनकी डिवीजन नोट नंबर फर्स्ट में क्या आती है इरेशनल नंबर, क्योंकि एक रैशनल है दूसरा इरेशनल है तो उनके जो डिवीजन है वो ऑलवेज क्या आती है इरेशनल नंबर। थर्ड वन इज 5 इंटू पाई, तो ये जो पाई है वो क्या है आपका इरेशनल नंबर और हमें पता है ये 5 क्या है रैशनल। सो रैशनल और इरेशनल दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है बाय यूजिंग नोट फर्स्ट वो क्या आती है ऑलवेज इरेशनल नंबर। सो देयरफॉर इट इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, उसमें पहला क्वेश्चन है ये जो हमें दिया है उसको हमें क्या करना है सिंप्लीफाई। तो हमें पता है ये एक ब्रैकेट में है और ये दूसरा इरेशनल दूसरे ब्रैकेट में है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है मल्टीप्लाई ना, मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर रहा है। तो ये जो पहला ब्रैकेट है उसमें जो पहला नंबर है वो क्या हो जाएगा दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, फिर से ये जो दूसरा नंबर है फिर से ये क्या करेगा दोनों को मल्टीप्लाई करेगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, सो देयरफॉर 3 इंटू 2 ये हो जाएगा आपका 6, 3 इंटू रूट 2 तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू रूट 2। फिर से अभी ये सेकंड नंबर हर एक को नंबर को मल्टीप्लाई करेगा प्लस रूट 3 इंटू 2 सो 2 इंटू रूट 3। कभी भी ये जो रूट है वो पीछे ही लगाना है आगे नहीं, तो हम कभी कभी क्या करते हैं रूट 3 इंटू 2 करते हैं, ये राइट है लेकिन ये जो रूट है वो पीछे ही लगाना है। तो 3 रूट 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 इंटू रूट 3 और रूट 3 इंटू रूट 2 प्लस रूट 3 इंटू रूट 2 सो इक्वल टू देखो यहाँ क्या आ जाएगा ये 6 एज इट इज, ये प्लस 3 रूट 2 एज इट इज प्लस 2 रूट 3 ये एज इट इज प्लस अभी रूट 3 इंटू रूट 2। तो हमने एक एक्सपोनेंट पावर में एक लॉ देखा था, तो वो लॉ क्या है देखो मैं वो जो लॉ है मैं यहां लिखता हूं, वो लॉ है रूट ए इंटू रूट बी इक्वल टू रूट ए बी। अगर रूट ए इंटू रूट बी है तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं एक रूट में रूट ए बी भी लिख सकते हैं। ओके, लेकिन क्यों लिख सकते हैं क्योंकि एक्सपोनेंट लॉ में देखो ए रेस टू 1/2 है इंटू बी रेस टू 1/2 है। ठीक है, तो एक्सपोनेंट पावर में हमने क्या देखा था अगर उसकी दोनों की अगर पावर सेम है तो दोनों नंबर क्या क्या होता है मल्टीप्लीकेशन और एक पावर आ जाती है दैट इज ए बी रेस टू 1/2। लेकिन ए बी रेस टू 1/2 मीन्स क्या ए बी रेस टू 1/2 मीन्स रूट ऑफ ए बी और ए रेस टू 1/2 मीन्स क्या रूट ऑफ ए इंटू और बी रेस टू 1/2 मीन्स रूट ऑफ बी। देखो रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ बी इक्वल टू रूट ऑफ ए बी, तो इसमें भी क्या है रूट 3 इंटू रूट 2 तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं रूट ऑफ ए बी मीन्स रूट 3 इंटू 2 इक्वल टू रूट ऑफ 6। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। सेकंड देखो रूट 3 प्लस रूट 2 इंटू
रूट थ्री माइनस रूट टू। तो हमने एक आइडेंटिटी देखी है, कौन सी आइडेंटिटी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये आइडेंटिटी क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी कौन सी है, अगर ए प्लस बी ए माइनस बी है तो ये आइडेंटिटी कौन सी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी के साथ ये जो आपका रूट थ्री है वो क्या है यहाँ ए, और ये जो रूट टू है वो क्या है आपका बी। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका ए स्क्वायर। तो ए क्या है रूट थ्री, सो रूट थ्री स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है रूट टू, रूट टू ब्रैकेट स्क्वायर, सो इक्वल टू रूट थ्री स्क्वायर इज थ्री माइनस रूट टू स्क्वायर इज टू, देन थ्री माइनस टू इज वन। सो दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो थर्ड एग्जाम्पल है हमारा थ्री प्लस रूट थ्री इंटू थ्री माइनस रूट थ्री, ठीक है, वो भी यही एग्जाम्पल है। देखो उसमें कौन सा आइडेंटिटी यूज की है, यहां भी ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही आइडेंटिटी यूज करनी है। सो ए प्लस बी ए माइनस बी हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी क्या है हमें पता है, लेकिन इसमें ए की वैल्यू कितनी है आपकी थ्री बराबर, और बी की वैल्यू कितनी है रूट थ्री। सो आइडेंटिटी क्या कहती है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, सो थ्री स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी कितना है रूट थ्री, सो रूट थ्री स्क्वायर, सो इम्प्लाइज दैट थ्री स्क्वायर इज नाइन, रूट थ्री स्क्वायर इज थ्री, सो इम्प्लाइज दैट दिस इज सिक्स। ओके सो नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल फोर्थ वाला, रूट फाइव प्लस रूट टू ब्रैकेट स्क्वायर, सो रूट ए फाइव प्लस रूट टू ब्रैकेट स्क्वायर। तो इसमें आपको आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है, इसमें आपको आइडेंटिटी करनी है यूज ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हमें पता है। तो ये आइडेंटिटी क्या है, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें ए की वैल्यू कितनी है आपकी रूट फाइव और बी की वैल्यू कितनी है रूट टू, ठीक है, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, सो ए स्क्वायर मीन्स फाइव स्क्वायर, रूट फाइव स्क्वायर कितना हो जाएगा रूट फाइव स्क्वायर प्लस टू इंटू ए बी, ए कितना है रूट फाइव, बी कितना है रूट टू प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है यहाँ रूट टू ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है, सो रूट फाइव स्क्वायर इज नथिंग बट फाइव प्लस, और ये जो यहाँ रूट फाइव इंटू रूट टू है तो ये कितना हो जाएगा आपका टू रूट ऑफ फाइव इंटू टू मीन्स टेन, और प्लस रूट टू स्क्वायर इज टू। यहां कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, ये आइडेंटिटी यहां यूज की रूट ऑफ ए रूट ऑफ बी इक्वल टू रूट ऑफ ए बी, ये आइडेंटिटी हमने यहां यूज की है, ठीक है। सो देयरफॉर फाइव प्लस टू इक्वल टू सेवन प्लस टू रूट टेन। ओके सो दिस इज योर फोर्थ एग्जाम्पल, नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल फिफ्थ, थ्री रूट टू सॉरी थ्री रूट थ्री प्लस सेवन रूट टू प्लस रूट थ्री माइनस फाइव रूट टू, ठीक है। तो ये जो एडिशन साइन है दोनों के एडिशन करना है, ये दोनों इरेशनल नंबर है दोनों के हमें एडिशन करना है। तो ये हो जाएगा आपका थ्री रूट थ्री प्लस सेवन रूट टू, ये प्लस रूट थ्री, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस फाइव इंटू रूट टू। तो देखो इसमें जैसे हम वेरिएबल देखते हैं, एग्जाम्पल वेरिएबल कैसे देखते हैं हम, सपोज अगर आपको ऐसे दिया गया 2x प्लस 5x, ठीक है, तो इसमें ये जो वेरिएबल है वो क्या है x, तो ही दोनों की एडिशन होती है ना लाइक टर्म की, सो 2x प्लस 5x इज नथिंग बट 7x होता है, ठीक है। तो वैसे ही यहां भी ये देखो ये रूट थ्री और ये रूट थ्री और ये रूट थ्री, ये भी क्या है आपका वेरिएबल, जैसे ये था 2x प्लस एक्स तो ये कितना हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा, तो वैसे ही ये थ्री रूट थ्री प्लस रूट थ्री तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 रूट थ्री, ओके लाइक टर्म के जैसा, और यहां 7 रूट टू माइनस 5 रूट टू, देखो यहां रूट टू भी वेरिएबल को ही मान लोगे, ठीक है, सो 7 रूट टू में से 5 रूट टू गया, कितना हो गया आपका प्लस
2 root 2. So this is your final answer. तो देखो स्टूडेंट्स, इस तरह का जो अगर एग्जांपल आए रूट में एडिशन सब्सट्रैक्शन, तो जैसे हम वेरिएबल के एडिशन सब्सट्रैक्शन करते हैं वैसे ही रूल परफॉर्म करना है, तो आपको बहुत इजी से ये आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट टिक्स 6 वाला एग्जांपल, ये देखो 2√5 प्लस 3√2 ब्रैकेट स्क्वायर, मीन्स ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर यूज करना है. ये आपका ए, ये है आपका बी, तो हमें ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर पता है. सो व्हाट इज ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर? ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर. सो ये है आपका ए स्क्वायर. सो 2√5 ब्रैकेट स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, तो ए कितना है? इंटू 2√5 ट्वाइस ए इंटू बी, ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर. बी स्क्वायर मीन्स 3√2 ब्रैकेट स्क्वायर. सो दिस इज योर ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर हमने इसमें अप्लाई कर दिया. देखो ये है आपका ए स्क्वायर, ये ट्वाइस ए बी, और ये है आपका बी स्क्वायर मीन्स ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर. अभी क्या करना है? सिर्फ इसको ओपन करना है. 2 का स्क्वायर और रूट 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 2 का स्क्वायर 4 और रूट 5 का स्क्वायर 5, सो 4 × 5 = 20. ओके, प्लस अभी इसमें जितने भी इंटीजर है उनकी एडिशन मल्टीप्लीकेशन कर देंगे. 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12. ठीक है, और √5 × √2 ये कितना हो जाएगा आपका? √10. कौन सा आइडेंटिटी? √a × √b हमने यहां यूज की. प्लस 3√2 ब्रैकेट स्क्वायर, तो 3² = 9 और √2² = 2, सो 9 × 2 = 18. सो इंप्लाइज दैट 20 + 18 ये हो जाएगा आपका 38 प्लस 12√10. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. सो एग्जाम्पल नंबर 7, √2 − 3√3 प्लस 2√2 प्लस 5√3. दो रैशनल और इरैशनल नंबर दिए हैं, उनके आपको क्या करनी है? एडिशन. सो देखो ये √2 − 3√3, ये प्लस 2√2, ये प्लस 5√3. तो देखो जैसे हम वेरिएबल के एडिशन करते हैं, यहाँ √3 √3 का प्रेजेंट है, यहाँ और यहाँ प्रेजेंट है. ठीक है, सो देयरफॉर कितना हो जाएगा ये? −3√3 + 5√3. तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये −3√3 और ये प्लस 5√3, मीन्स कितना बच गया? 2√3 बच गया. 5 में से 3 गया 2 और ये √3. ओके, और नाउ ये कितना है आपका? ये √2, 1√2 और ये 2√2, तो कितना हो गया? प्लस 3√2 ये आपका हो गया. ठीक है, तो दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8. सो क्वेश्चन 8, 3 + 2√2 × 3 − 2√2. तो देखो इसमें a प्लस बी, ए माइनस बी, सो ए प्लस बी ए माइनस बी कितना आपका? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम इसमें यूज कर सकता है. सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 3² - और b कितना है आपका? 2√2 ब्रैकेट स्क्वायर, सो इक्वल टू 3² = 9 - अभी 2² = 4, √2² = 2, 4 × 2 = 8, सो देयरफॉर दिस इज 8. सो 9 - 8 इज नथिंग बट 1. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो हमने आइडेंटिटी देखी है, कौन से आइडेंटिटी? a प्लस बी ए माइनस बी, उसके बाद में √a × √b = √ab, ये दो या तीन आइडेंटिटी ये जो हम अभी ऑपरेशंस ऑफ रियल नंबर देख रहे हैं उसमें बहुत काम आने वाले हैं. ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग. तो उसमें पहला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1, 1/√7 − √6. तो ये जो आपको डिनोमिनेटर है ये एग्जांपल में इसको क्या करना है? रैशनलाइज. तो रैशनलाइज करना है मींस क्या करना है आपको? अगर सबको रैशनलाइजेशन के तीन टाइप्स है, तो पहला टाइप है रैशनलाइजेशन नंबर का,
सपोज अगर डिनोमिनेटर ये फॉर्म में रहा, कौन सा, वन अपॉन रूट ए प्लस रूट बी में, वन अपॉन मीन्स ये जो न्यूमरेटर है वो कुछ भी रह सकता है, ओके सिर्फ डिनोमिनेटर क्या रह सकता है, ये इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर और दोनों की एडिशन। सेकंड टाइप है इसका, ये है आपका न्यूमरेटर, एनी न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर क्या है, रूट ए माइनस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी मीन्स ये इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर, ठीक है। और थर्ड टाइप है एनी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, सिर्फ एक ही इरेशनल नंबर, दोनों के एडिशन, दोनों के सब्ट्रैक्शन और सिंगल। तो इसका रैशनलाइजेशन जब हम करेंगे तो इसको सिर्फ रैशनलाइजेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो डिनोमिनेटर है ना उसी के साथ इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, सिर्फ ये जो साइन है वो हमें क्या करनी है, अपोजिट करनी है। तो इसको हम क्या करेंगे, रूट ए माइनस रूट बी से इसको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, रूट ए माइनस रूट बी, देखो सिर्फ साइन अपोजिट कर रहा है, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय सेम रैशनल नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, कट होके वन ही हो जाता है। तो यहां कितना है, माइनस है, तो यहां क्या करेंगे हम, रूट ए प्लस रूट बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, रूट ए प्लस रूट बी, और ये न्यूमरेटर अपॉन क्या है, रूट ए, तो इसको क्या करेंगे, सेम रैशनल नंबर से, इरेशनल नंबर से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। सो दिस इज टाइप नंबर फर्स्ट, सेकंड टाइप एंड थर्ड टाइप, ओके। तो अभी देखो ये जो नंबर दिया है और ये जो एग्जांपल दिया है इसमें क्या है आपका, वन अपॉन रूट सेवन माइनस रूट सिक्स, कौन से टाइप में आ गया वो, सेकंड टाइप में, तो इसको क्या करना है, प्लस के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। सो देयरफॉर रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, वन अपॉन रूट सेवन माइनस रूट सिक्स इंटू रूट सेवन प्लस रूट सिक्स अपॉन रूट सेवन प्लस रूट सिक्स, माइनस था तो सिर्फ प्लस कर दिया, डिनोमिनेटर सेम, सो ये मैंने क्या कर दिया, ब्रैकेट में पुट कर दिया। सो इम्प्लाइज दैट, ये क्यों करते हैं पता है, क्योंकि देखो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, ऊपर ऊपर क्या होता है, ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो वन इंटू रूट सेवन प्लस रूट सिक्स, तो ये एज इट इज रूट सेवन प्लस रूट सिक्स एज इट इज, और डिनोमिनेटर में देखो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, कौन सी आइडेंटिटी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, सो ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की वैल्यू कितनी है, रूट सेवन, सो रूट सेवन स्क्वायर माइनस रूट सिक्स स्क्वायर, इसीलिए हमने क्या कर दिया, वो आइडेंटिटी हमें यहां यूज करनी है, ठीक है। सो इंप्लाइज दैट रूट सेवन प्लस रूट सिक्स अपॉन रूट सेवन स्क्वायर इज सेवन, और माइनस रूट सिक्स मीन्स ये रूट सिक्स इज सेवन, सो इंप्लाइज दैट सेवन अब माइनस सिक्स इज वन, सो इंप्लाइज दैट रूट सेवन प्लस रूट सिक्स अपॉन वन, सो देयरफॉर रूट सेवन प्लस रूट सिक्स, दिस इज योर फाइनल सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस एग्जाम्पल। सो देयरफॉर ये जो एग्जाम्पल है इसको हमने क्या कर दिया है, रैशनलाइज कर दिया है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो सेकेंड एग्जाम्पल है वन अपॉन रूट सेवन, सो वन अपॉन रूट सेवन मीन्स एक ही इरेशनल नंबर दिया है तो वो तीसरे टर्म में आ जाएगा, ठीक है। सो इसको क्या करना है, वन अपॉन रूट सेवन वही नंबर से इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, ठीक है। सो वन इंटू रूट सेवन इज नथिंग बट रूट सेवन अपॉन रूट सेवन इंटू रूट सेवन इज नथिंग बट सेवन, सो दिस इज योर फाइनल आंसर, सो दिस इज अ रैशनलाइजेशन, ओके। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो थर्ड एग्जाम्पल है हमारा वन अपॉन रूट फाइव प्लस रूट टू, तो इसको रैशनलाइजेशन करना है, सो वन अपॉन रूट फाइव प्लस रूट टू इंटू अंडर रूट ऑफ रूट फाइव माइनस रूट टू अपॉन रूट फाइव माइनस रूट टू, प्लस था तो माइनस कर दिया, सो इम्प्लाइज दैट ये वन इसके साथ अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो ये एज इट इज रूट फाइव माइनस रूट टू अपॉन, और इसमें ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में देखो ये क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी, सो ए प्लस बी ए माइनस बी ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो रूट फाइव स्क्वायर माइनस रूट टू स्क्वायर, सो इम्प्लाइज दैट रूट फाइव माइनस रूट टू अपॉन रूट फाइव स्क्वायर इज नथिंग बट फाइव, और रूट टू स्क्वायर इज नथिंग बट टू, सो इम्प्लाइज दैट रूट फाइव माइनस
root 2 upon 5 minus 2 is your answer is 3. So this is your third example. Now fourth example is 1 upon root 7 minus root 2. ठीक है, तो इसे हम rationalization कर सकते हैं. तो rationalization अगर यही हम कर देंगे उसको rationalization, तो ये हो जाएगा आपका root 7 plus root 2, सॉरी ये 2 है सिर्फ, तो अगर हम इसे भी रूट में कंसिडर कर देंगे, ठीक है, अपॉन रूट 7 प्लस रूट 2, सो इम्प्लाइज दैट ये ऊपर यही मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट 7 प्लस रूट 2 ये एज इट इज, और डिनोमिनेटर में ए माइनस बी ए प्लस बी, सो रूट 7 स्क्वायर इज डायरेक्ट लिखता हूं मैं अभी 7, और रूट 2 स्क्वायर इज नथिंग बट डायरेक्टली लिखता हूं 2, ठीक है, सो रूट 7 प्लस रूट 2 और 7 माइनस 2 इज नथिंग बट 5, सो दिस इज योर आंसर. तो फिफ्थ एग्जाम्पल है हमारा 3 प्लस रूट 5 अपॉन 3 माइनस रूट 5, ठीक है, तो डिनोमिनेटर क्या है इसमें 3 माइनस रूट 5, तो इसको हम रैशनलाइज कर सकते हैं, तो यही मैं रैशनलाइज करता हूं, यहां माइनस है तो कितना आ जाएगा सिर्फ 3 प्लस रूट 5 आ जाएगा अपॉन, और 3 प्लस रूट 5 ऊपर और नीचे सेम रैशनल से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया. अभी देखो यहां जो नीचे है ये नीचे तो a माइनस बी ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर यूज करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऊपर कितने टर्म है, दो टर्म है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो देखो कैसे, 3 प्लस रूट 5 इंटू 3 प्लस रूट 5 अपॉन यहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, ये 9 डायरेक्टली मैं यूज करता हूं, और रूट 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा 5, ठीक है, तो डिनोमिनेटर तो हमें मिल जाएगा 4, लेकिन इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसमें हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी. देखो 3 इंटू 3 पहली टर्म और पहली टर्म, ये ब्रैकेट की हर एक टर्म इसको मल्टीप्लाई करेगी, ओके 3 इंटू 3 9, 3 इंटू रूट 5 कितना हो जाएगा प्लस 3 रूट 5, अगेन रूट 5 इंटू 3 ये हो जाएगा आपका 3 रूट 5, अगेन रूट 5 इंटू रूट 5, सो ये हो जाएगा आपका रूट 5 इंटू रूट 5 मीन्स नथिंग बट 5, ठीक है, और डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा ये 9 माइनस 5 इक्वल टू 4, सो इम्प्लाइज दैट देखो अभी ये 5 और ये 4, सॉरी ये 9 और ये 5 ये हो जाएगा आपका 14 प्लस. अभी देखो जैसे हम टर्म और वेरिएबल्स की एडिशन करते हैं, सो यह माइनस रूट 5 है, यह रूट 5 है, और 3 और 3 है, तो ये कितना रूट 5 हो जाएगा, सो हो जाएगा 3 रूट 5 प्लस 3 रूट 5 ये हो जाएगा आपका 6 रूट 5 अपॉन 4, ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर. और इसको अगर हमें रिड्यूस करना है तो हम इसे क्या कर सकते हैं, रिड्यूस भी कर सकते हैं. कैसे, देखो इसमें से अगर मैंने 2 कॉमन निकाल लिया तो यहां कितना बचेगा 7 प्लस 3 रूट 5, ठीक है, इसमें से भी 2 कॉमन निकल लिया, इसलिए से भी 2 कॉमन निकल लिया, और डिनोमिनेटर में 4, सो ये कैंसिल हो जाएगा, यहां बचा 2, सो इंप्लाइज दैट 7 प्लस 3 रूट 5 अपॉन 2, सो दिस इज योर रैशनलाइजेशन, सो दिस इज योर फाइनल आंसर. तो ये इसे अगर एग्जाम्पल है जिसमें न्यूमरेटर में कुछ भी नंबर दिया है आपको, तो आपको क्या करना होगा, वो दोनों नंबर का स्टेप बाय स्टेप बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन करना होगा, और उसको क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा, ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. तो एग्जाम्पल नंबर 6 है आपका 1 अपॉन 7 प्लस 3 रूट 2, अगेन रैशनलाइजेशन. रैशनलाइजेशन करने के लिए हम यही रैशनलाइजेशन करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में पुट कर देंगे, और यहां 7 माइनस 3 रूट 2 अपॉन 7 माइनस 3 रूट 2. रैशनलाइजेशन करना है मीन्स क्या है, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव से उसी डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, और यहां सिर्फ साइन चेंज करनी है. तो देखो ये 1 इंटू ये क्या हो जाएगा आपका इट सेल्फ 7 माइनस 3 रूट 2 अपॉन. अभी देखो यहां क्या है, डिनोमिनेटर में ऑलवेज
अलवेज, मैं क्या बता रहा हूँ, डिनोमिनेटर में अलवेज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करना है। ये a, ये b, ये a, ये b, सो a प्लस बी ए माइनस बी, सो सेवन स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, सो a इक्वल टू सेवन, सो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 3√2 ब्रैकेट स्क्वायर, अगर कुछ मल्टीप्लीकेशन में दिक्कत होती है तो ब्रैकेट स्क्वायर लिखो, ठीक है। तो मैंने पहले 7 का स्क्वायर निकाल लिया माइनस बी स्क्वायर, तो देखो ये हो जाएगा आपका 7 माइनस 3√2 एज इट इज अपॉन ये 49 माइनस, अभी 3 स्क्वायर कितना हो गया 9, और रूट टू स्क्वायर मीन्स 2, 9 इंटू 2 ये हो गया आपका 18, सो इम्प्लाइज दैट 7 माइनस 3√2 अपॉन 49 माइनस 18, तो 49 माइनस 18 ये कितना हो गया आपका 31, ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। सो देखो स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का वीडियो था और आज का जो टॉपिक था रैशनलाइजेशन, डिनोमिनेटर जो रैशनलाइजेशन हमें करना था वो हमने यही खत्म कर लिया है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन के ही बेस पे कुछ सिंप्लीफिकेशन के एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, ओके, तो थैंक यू।